यस बेटा, सिक्स क्लास। आज हम साइंस का, हमारा आगे भूल से आगे पेज नंबर 33 पर था, हमने भूल पढ़ा था। अब भूल से आगे हम भूल की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ वूल, ऊन का प्रोडक्शन मीन उत्पादन, प्रोडक्ट से प्रोडक्शन बना है। प्रोडक्शन ऑफ वूल, वूल का या ऊन का उत्पादन। द वूली कोट ऑफ ए शेप इज कॉल्ड फ्लेस। द वूली कोट, वूली किसको बोलते हैं? ऊनी आवरण। वूली कोट मीन्स ऊन का जो आवरण होता है, ऑफ ए शेप, एक भेड़ का, भेड़ के ऊनी आवरण को हम क्या कहते हैं? फ्लेस कहते हैं, रवा, हिंदी में रवा कहते हैं, जैसे रवा जो आ जाता है उसको, तो आप फ्लेस याद कर लें। रिमूवल ऑफ फ्लेस फ्रॉम ए शेप, ए शेप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। क्या कह रहा है ये? और भेड़ के शरीर से जो रोएं हटाए जाते हैं उसको ऊन कतरना या शिरिंग कहते हैं। शिरिंग वैसे होता है ऊन का कतरना। रिमूवल मीन्स हटाना, और फ्लेंस मीन्स रोए को। शेप्स बॉडी माने शेप, भेड़ के शरीर से, भेड़ के शरीर से जो रुआ हटाने की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में शेयरिंग कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? ऊन का कतरना। वूल स्प्रेड ऑफ ए शेप हैज ए हाई अमाउंट ऑफ ग्रीस। और जो वूल शेयर्ड ऑफ, जो भेड़ की कतरी गई ऊन होती है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ ग्रीस, काफी मात्रा में, ग्रीस में चिकनाई के, चिकनाई को बोलते हैं ग्रीस, काफी मात्रा में उसमें चिकनाई होती है। द ग्रीस इज जनरली रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग इट विद डिटर्जेंट एंड अल्काली। और जो ग्रीस है उसको आमतौर पर, जनरली मीन्स आमतौर पर, रिमूव्ड मीन्स अलग किया जाता है, बाय ट्रीटिंग इट विद डिटर्जेंट, या तो किसी डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? जो हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं ना, उसको डिटर्जेंट बोलते हैं, कपड़े धोने के लिए जो यूज किया जाता है। एंड अल्काली, या अल्काली से, अल्कली से, अल्कली भी एक तरह का धोने की तरह से, साबुन की तरह से ही होता है। डिटर्जेंट मीन्स साबुन, सफाई के लिए जो है। वूल इज पैक्ड इन बेल्स एंड सेंट टू मिल्स। वूल इज पैक्ड इन बेल, ऊन को बेल्स में, गट्ठों में बांधा जाता है और मिल में भेज दिया जाता है। वेयर इट इज वॉश, जहाँ इसको धोया जाता है, डाइड, डाई किया जाता है या रंग किया जाता है। कार्डेड ब्रश, कार्डेड मीन्स ब्रश किया जाता है, धुना जाता है, ब्रश करने का मतलब, अनस्पन इट इंटू यार्न, और इसको किस में बना दिया जाता है? धागे में, यार्न मीन्स धागे में बना दिया जाता है। यार्न आर वोवन और नेटेड टू प्रोड्यूस क्लॉथ। और फिर जो यार्न होता है वो क्या होते हैं? धागे को वस्त्र बनाने के लिए बुना जाता है। नेटेड मीन बुनाई करना, जो ऊन से बुनाई की जाती है, सिलाई से, उसको बोलते हैं। अब आगे आता है यूजेज ऑफ वूल, वूल के क्या उपयोग हैं, ऊन के उपयोग क्या हैं। वूल इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, अलग अलग पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सम ऑफ यूजेज ऑफ वूल आर एज फॉलो, कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं, जैसे मेकिंग कारपेट, कालीन बनाने के लिए, कारपेट मीन कालीन, कालीन बनाने के लिए। मेकिंग क्लोथ फॉर विंटर, सर्दी के कपड़े बनाने के लिए। मेकिंग क्विल्ट, क्विल्ट होता है रजाइयाँ, और रजाई बनाने के लिए। अब आगे आता है बेटा सिल्क, क्या है सिल्क? सिल्क किसको बोलते हैं? रेशम को। सिल्क फाइबर इज मेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ कैटरपिलर कॉल्ड सिल्क वॉर्म। रेशम का कीड़ा जो होता है, रेशम कीट नामक कैटरपिलर से बनाया जाता है। कोकून्स ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर के कोकून से बनाया जाता है। मोस्ट हाई क्वालिटी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटरपिलर्स ऑफ ए मॉथ कॉल्ड बॉम्बिक्स मोरी। अधिकतर अच्छी गुणवत्ता का जो रेशम होता है वो बॉम्बिक्स मोरी नामक कीट से, ये कीट का नाम है, बॉम्बिक्स मोरी क्या है? एक कीट का नाम है, उस कीट के कैटरपिलर द्वारा, नामक कीट के कैटरपिलर द्वारा बनाया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्क वर्म, रेशम के उत्पादन के लिए, के रेशम के सिल्क वर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। उसको क्या कहते हैं? सेरिकल्चर में रेशम का उद्योग। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, रेयरिंग
प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क के रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीटों का जो पाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशम उद्योग कहते हैं। तो ये डिफिकल्ट वर्ड लिख लेंगे बेटा, जितना भी मैंने अंडरलाइन करवाया है, मीनिंग आए मीनिंग लिख लें, नहीं आए तो आप बता दें और इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अभी हमें 3-4 दिन लेसन में और लगेंगे, बहुत बड़ा आपका ये लेसन है और तो इसलिए इसको साथ साथ आप करते रहें। ओके बेटा, बाय।